मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 23 मई को आए नतीजों के बाद से बीजेपी के एक नेता की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। पहले उनके चुनाव जीतने पर सुर्खियां बनी, फिर जब शपथ ली तो उस वक्त भी वो चर्चाओं में रहे, जिसकी वजह है उनका सादगी भरा जीवन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की बालासोर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे प्रताप चंद्र सारंगी, पहले विधायक, फिर सांसद और अब मंत्री। वक्त के साथ साथ उनका पद और कद बढ़ता गया, लेकिन सारंगी की सादगी और आम आदमी तक उनकी पहुंच पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे सादगी पसंद सारंगी को जब मोदी सरकार 2.0 में जब मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई, तो वो उसके कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए। मोदी सरकार और संगठन में वैसे तो हर नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के लिए ट्विटर पर होना जरूरी है, लेकिन सारंगी ऐसे नेता थे जो ट्विटर पर नहीं थे। मगर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनते ही अगर वो ट्विटर पर आ गए हैं, तो इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है, जिसका खुलासा खुद मंत्री सारंगी ने ट्वीट कर किया। 4 जून को ट्विटर पर अकाउंट बनाने वाले मंत्री प्रताप सारंगी ने अपनी तस्वीर के साथ पहला ट्वीट किया कि मोदी जी के अनुरोध पर मैंने अपने विचार रखने के लिए अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है। और ट्विटर पर आए प्रताप सारंगी सिर्फ 8 लोगों को फॉलो करते हैं, बीजेपी पीएमओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी ओडिशा बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्री कार्यालय और योगी आदित्यनाथ को। प्रताप सारंगी ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की एक तस्वीर भी डाली, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो स्लीपर चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। तो एक और ट्वीट में सारंगी ने केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी डाली है, उसमें भी वो स्लीपर चप्पल में नजर आ रहे हैं। प्रताप सारंगी ने एक और तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें वो संगठन महासचिव रामलाल उन्हें मिठाई खिलाकर मंत्री बनाए जाने पर बधाई दे रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी हैं। और ट्विटर पर आते ही एक्टिव हुए मंत्री सारंगी के बारे में एक खबर आई थी कि 30 मई को जब उन्हें मंत्री पद की शपथ लिए जाने की खबर देने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने फोन किया, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया क्योंकि वो फोन साइलेंट पर रखकर भूल गए थे। उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए जब अमित शाह ने उन्हें फोन कर कहा कि आपको शपथ से पहले प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में शामिल होना है, तो सारंगी ने शाह से कहा कि मैं क्यों शपथ लूं, लेकिन शाह ने साफ कर दिया कि आपको ही शपथ लेनी है। और इस तरह सारंगी ने 30 मई की मंत्री पद की शपथ ली और मोदी सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय में आज राज्य मंत्री बन गए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्री प्रताप चंद्र सारंगी, मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं, लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने, हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है। औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है, और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। एक, इस महान विरासत को, और दूसरा आधुनिक विजन को। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई? कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक। एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात। उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है, और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का हुआ। छब्बीस जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परेड होती है और हमारे विजय पथ पर टैबलोज जाते हैं, पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस किस रूप में देखा जाता है उसका प्रगटीकरण 26 जनवरी को राज प्रदेश ने देखा। लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं, ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है, आठवीं दसवीं कक्षा का बच्चा है जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पे सोचे, नए अनुसंधान पे सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे और भारत को 21वीं सदी में वैज्ञानिक अधिष्ठान पर ले जाए, इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं। और इसलिए हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं, हम 21वीं सदी के विजन को भी उतना ही प्रगटता के पूर्वक आगे बढ़ाने के पक्ष में है। हमारे देश में पूजा पाठ में 125 रुपये का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेशन करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं।
चीजें जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है, लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से शुरू की थी यात्रा, अच्छे नंबर पे पहुंच गए दुनिया में। 5 नंबर पे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, 3 पर पहुंचने के पहले 3 में पहुंचने के इरादे से काम कर रहे हैं। आज मेरा देश का नौजवान स्टार्टअप को लेकर के विश्व में ताकत के रूप में उभर सकता है तो स्टार्टअप को बल देकर के देश के नौजवान की ताकत से विश्व को अचंभित करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।